ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिला कांगड़ा के पंजाब के साथ सटे नूरपुर क्षेत्र में नशे के बढ़ते प्रचलन के खिलाफ स्थानीय युवाओं ने यूथ ऑफ नूरपुर अगेंस्ट ड्रग्स अभियान शुरू किया है। अभियान से जुड़े युवाओं ने एसपी कांगड़ा को ज्ञापन सौंपकर नूरपुर पुलिस थाना में पर्याप्त स्टाफ तैनाती की मांग उठाई है। जिला कांगड़ा के पंजाब से सटे नूरपुर क्षेत्र में नशे के बढ़ते प्रचलन के खिलाफ स्थानीय युवाओं ने यूथ ऑफ नूरपुर अगेंस्ट ड्रग्स अभियान शुरू किया है। अभियान से जुड़े युवाओं ने एसपी कांगड़ा को ज्ञापन सौंपकर नूरपुर पुलिस थाना में पर्याप्त स्टाफ तैनाती की मांग उठाई है। यूथ ऑफ नूरपुर अगेंस्ट ड्रग्स अभियान के तहत युवाओं द्वारा जहाँ स्कूल कॉलेज व आईटीआई संस्थानों में शिविर आयोजित करके युवाओं को नशे के खिलाफ जागरूक किया जा रहा है, यही नहीं इन युवाओं द्वारा नशे के मामलों को पकड़ने में भी पुलिस को सहयोग किया जा रहा है। जिला पुलिस ने भी इन युवाओं के अभियान की सराहना की है। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार की पहल पर जिला पुलिस द्वारा 15 नवंबर से 16 दिसंबर तक आयोजित नशे के खिलाफ अभियान से प्रभावित होकर नूरपुर के युवाओं ने यूथ ऑफ नूरपुर अगेंस्ट ड्रग का गठन करके नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान शुरू किया है। यूथ ऑफ नूरपुर अगेंस्ट ड्रग्स के सदस्य रवि मेहरा ने बताया कि नशे के खिलाफ अभियान में स्कूलों, कॉलेजों व आईटीआई में जागरूकता अभियान संचालित किए जा रहे हैं। नूरपुर क्षेत्र में नशे के मामले आए दिन सामने आ रहे हैं, जबकि नूरपुर पुलिस थाना में भी स्टाफ की कमी है। ऐसे में एसपी को ज्ञापन सौंपकर नूरपुर पुलिस थाना में पर्याप्त स्टाफ तैनात करने की मांग की गई है। हमारा जो मेन उद्देश्य था आज एसपी साहब से मिलने का, जो नूरपुर क्षेत्र जो हमारे बॉर्डर एरिया के पास आता है, जैसे मैक्सिमम ड्रग्स के कई मामले आ जाते हैं, तो उसमें हमने सबसे पहले आज एक एसपी महोदय जी को एक ज्ञापन दिया, जिसमें सबसे पहले जो पुलिस स्टेशन की कमी है वहाँ पे स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी है, हम उनको पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि मैक्सिमम हमारे क्षेत्र में कई मामले आते जाते रहते हैं और पुलिस की कमी वहाँ पे कम है, तो हम स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए तो हमने आज एक ज्ञापन दिया। और दूसरी बात, हमने एक कैंपिंग चलाया हुआ है जो ड्रग्स के ऊपर है मैक्सिमम स्पेशली, तो हम स्कूलों में जाके बच्चों को जागृत कर रहे हैं, जिसके बारे में ड्रग्स के बारे में बता रहे हैं, उसका क्या आपको नुकसान है, किस दिशा में बच्चे आज देखते होंगे कि ड्रग्स के कई मामले आ जा रहे हैं पुलिस स्टेशन में, तो हमारा कैंपिंग पूरे स्कूल में डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के लेवल में चल रहा है। एसपी जिला कांगड़ा विमुक्त रंजन ने बताया कि यूथ ऑफ नूरपुर अगेंस्ट ड्रग्स के सदस्यों द्वारा नशे के खिलाफ युवाओं को जागरूक करने के लिए अभियान शुरू किया है, जो कि सराहनीय पहल है। युवाओं ने नूरपुर पुलिस थाना में स्टाफ की कमी का भी मामला उठाया है, जिस पर कदम उठाए जाएंगे और नूरपुर थाना में स्टाफ भेजा जाएगा। ये ग्रुप है लड़कों का यूथ ऑफ नूरपुर अगेंस्ट ड्रग्स, बहुत अच्छा काम ये लोग कर रहे हैं। मैं इसके लिए एक बार नूरपुर भी गया था, हमने इनके प्रोग्राम में शिरकत की है। ये लड़के लोगों के बीच जा कर के उनको अवेयर भी कर रहे हैं ताकि लोग नशे की चपेट में ना आए। इसके अतिरिक्त कई तरह की इफ़ेक्टिव इन्फॉर्मेशन भी ये हमें प्रदान कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग काफ़ी बेहतर तरीके से जो है नशे के ऊपर कंट्रोल लगाने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें काफ़ी हद तक सफल भी हो रहे हैं। तो इसी संदर्भ में ये लोग आज आए थे और कुछ हमारी अपनी सिस्टमिक प्रॉब्लम्स हैं, मैन पावर की कमी है, जिसके बारे में भी ये बताने आए थे, वो मेरे संज्ञान में है, ध्यान में है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितने ज़्यादा व्यक्ति या कर्मचारी उस इलाके में मैं भेज पाऊँ, तो और अधिक कोशिश करूँगा कि और कुछ और कर्मचारी वहाँ नूरपुर में हम भेज पाएँ, ताकि इनको ड्रग्स से हम और इफ़ेक्टिवली तरीके से डील कर पाएँ।